हेलो फ्रेंड्स, मिनिएचर व्हीकल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो WDM 3D सीरीज़ का पहला वीडियो है। आगे के दिनों में इसी सीरीज़ को लेकर बहुत सारे एपिसोड और भी अपलोड होंगे। तो आज हम इस वीडियो में व्हील्स, बोगी फ्रेम और सस्पेंशन बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते तो ये हैं। वीडियो WDM 3D सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम उसका व्हील, बोगी फ्रेम और सस्पेंशन बनाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर इसका जो सस्पेंशन है बनाया है, बिल्कुल असली की तरह यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको बनाने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रिकल केसिंग का जो प्लाट होता है रहता है उसको हमें यूज करना है। तो उससे हमें उसका जो व्हील है वो बनाएंगे। तो व्हील को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 12 mm का जो मेजरमेंट ले रहा हूँ सर्कल का, तो उसमें एक पॉइंट में हमें छेद बनाकर यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है कंपास के मदद से। तो इस तरह से हमें टोटल 12 व्हील्स के लिए सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 12 व्हील्स के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रिकल केसिंग के ऊपर। अब हम उसको कट करेंगे कैंची से। तो ये बहुत ही मुलायम प्लास्टिक होता है, उसको काटने में भी बहुत ही आसानी यहाँ पर होता है। तो 12 पीस को इस तरह से अच्छे से काटना है, बिल्कुल राउंड बनाकर। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार नहीं होना चाहिए, ज़्यादा या कम, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 12 पीस उसका काट लिया है और उसका जो सेंटर है वो भी मिल चुका है। अब हमें 9 mm में उसके ऊपर और एक सर्कल ड्रॉ करना है। सभी राउंड शेप के ऊपर इसी तरह से हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि बाद में जो हम पाइप यहाँ पर कट करके इसके ऊपर चिपकाएंगे तो हमें उसका जो सेंटर पॉइंट है आसानी से मिल सकता है। देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसी शेप में यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट उसका मिल जाएगा। तो ये जो पाइप है, ये भी इलेक्ट्रिकल केसिंग पाइप है राउंड वाला, उसको भी कट करके इसके ऊपर सुपर ग्लू के मदद से अच्छे से चिपका देंगे। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। आप बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारे वीडियो में आप मेरे वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, बहुत ही कम वॉच टाइम मुझे मिल रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा आप सपोर्ट कर सकेंगे और आपके लिए मैं अच्छा वीडियो बनाता रहता हूँ इसी तरह से। और ये वीडियो देखने में आपको बहुत ही आसान लगेगा, पर बनाने में बहुत ही मुश्किल रहता है। तो आप यहाँ पर लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं 12 पीस जो व्हील है बनाकर रेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हमें बोगी फ्रेम के लिए, तो यहाँ पर मैं बोगी फ्रेम का जो फर्मा है वो बनाया हूँ, जिससे कि हमें जो 4 पीस हमें यहाँ पर बोगी फ्रेम कट करने हैं उसको बनाने के लिए ये आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर 6 mm और 5 mm में उसको डिवाइड करके उसका जो फर्मा है रेडी किया है। उसके बाद हमें उसको कटर से इस तरह से स्क्रैच करके कट करना है। देखिए उसका जो जहाँ पर मैंने निशान बनाया है वहाँ पर हमें इस तरह से कट किया है। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद हमें उसका जो एक्सेल बॉक्स बनाएंगे उसके लिए भी हमें कट बनाने हैं। तो इस तरह से स्क्वायर करके हमें कट्स निकालने हैं इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। उसके बाद हमें एक PVC पाइप लेना है, उसको कट करके निकाल लेना है, क्योंकि हमारा जो बोगी का फ्रेम बनेगा वो PVC पाइप के प्लास्टिक से बनेगा, जो ज़्यादा स्ट्रोंग हमारा यहाँ पर रहेगा और वेट में भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका जो फर्मा बनाया था उसको यहाँ पर, ये जो प्लेट मैंने PVC पाइप को गर्म करके यहाँ पर बनाया है, उसके ऊपर मैं क्लिप से लगाकर उसका जो मार्क बना लिया है उसके ऊपर, इससे हमें बनाने में भी बहुत ही आसान रहती है इस फर्मे के कारण, और बार बार हमें मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो उसको भी अच्छे से हमें कट करना है। यहाँ पर हमें जो भी हमने मेजरमेंट फर्मा में लिया था वहाँ से हमें 1-1 mm ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। हमें 5 mm जहाँ पर लिए थे उसमें हमें 6 mm मिलेगा, और 6 mm जहाँ पर लिए थे उसमें हमें 7 mm मिलेगा। मतलब 1-1 mm हमें यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा मार्क करने से। तो उसको भी कटर के मदद से इस जैसे उसको काटा था उसको भी उसी से काट लेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ने के लिए हमें प्लायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा सा प्लास्टिक है। तो उसको अच्छे से काट लेते हैं। टोटल हमें 4 पीस बनाने हैं। देखिए दोस्तों, उसका जो मेजरमेंट है 5 mm जो था वो 6 mm निकला है, तो बिल्कुल ये सही हमारा बना है। और जो भी पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा ऊंच नीचे उसको हमें कटर से अच्छे से काट लेना है। तो 4 पीस यहाँ पर हमारा जो भोगी का फ्रेम है बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए एक दूसरे से, एक भी ऊंच नीच होगा तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। उसके बाद जो सस्पेंशन कोयल बनाने के लिए हमें स्टील वायर का जरूरत है। ये पतला फ्लेक्सिबल स्टील वायर है, ये आपको हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाएगा, जिससे हमें ये जो स्प्रिंग है वो बनाएंगे। तो स्प्रिंग बनाने के लिए कोई भी यहाँ पर रोड के ऊपर 7 टन मैंने यहाँ पर लिया है। आप जिस शेप में आप बनाना चाहते हैं, मतलब जिस साइज में आपका जो बोगी रहेगा उसी के हिसाब से आप रोड लीजिए और उसके ऊपर टन्स लीजिए। मैंने यहाँ पर 7 टन्स लिए हैं। तो इसी तरह से हमें 24 जो सस्पेंशन कोयल है बनाकर रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा जो वायर है उसको काट कर निकाल लेता हूँ। तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से जो कोयल है बन जाएगा, और उसको थोड़ा सा यहाँ पर खींच देंगे तो उसका एक्चुअल साइज में वो आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोयल है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। 24 पीस यहाँ पर हमें चाहिए 2 बोगी के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों इसको बनाने में, पर मैं इसको बनाकर रेडी कर चुका हूँ। तो अब हम उसका जो एक पार्ट और भी बना लिए हैं। उसके बाद एक्सल के लिए मैंने यहाँ पर 4 mm का जो रोड है आयरन रोड उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रोड है ये जो हमारा जो फ्रेम है उसके अंदर फिट होना चाहिए। तो एक्सल का जो नाप है ये 5.5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर एक्सल रखा है। तो इसमें हमें कट करना है, तो हैक्सॉ से हमें थोड़ा सा यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद उसको प्लायर से मोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा। तो हमारा जो एक्सल है निकल चुका है। इसी तरह से हमें टोटल 6 पीस बनाने हैं 2 बोगी के लिए। देखिए इस तरह से मैंने उसको थोड़ा सा घिस भी लिया है, उसका जो जंग लगा था वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और ये जो है उसका जो प्ले का एरिया है। उसके बाद हमें एक्सेल बॉक्स को फिट करने के लिए इस तरह से 18 mm के स्ट्रिप्स इस फ्रेम के ऊपर चिपकाने हैं, इस तरह से जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह से हमें और भी स्ट्रिप्स निकालने हैं उसके नीचे वाले एक्सेल बॉक्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम पाइप का इस्तेमाल किया है एक्सेल को पकड़ रखने के लिए। तो इस तरह से मैंने उसको सुपर ग्लू से चिपका लिया है एक पीवीसी प्लास्टिक के ऊपर। इसी तरह से हमें 6 पीस बनाने हैं 1 बोगी के लिए। उसके बाद उस पाइप के अगल बगल हमें ये जो सस्पेंशन कोयल हमने बनाया था उनको चिपका देंगे सुपर ग्लू से। यहाँ पर हमें चिपकाना है, आप यहाँ पर फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्गली बहुत अच्छे से चिपक जाता है, यहाँ पर से निकलता नहीं है। तो यहाँ पर और कोई चीज का करने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो 1 लाइक इसीलिए तो बनता है। तो देखिए दोस्तों, उसका जो एक्सेल बॉक्स है मैंने एक साइड का लगा लिया है। तो ये इस तरह से काम करेगा। देखिए एक्सेल को यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, तो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर देखिए प्ले हो रहा है। उसके बाद इस 3 एक्सेल में मैं गियर फिट कर रहा हूँ 2 में, और एक हमारा जो रहेगा 3 एक्सेल रहेगा, उसमें कोई भी मोटर ट्रैक्शन नहीं लगेगा उसमें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये फ्रेम बना रहे हैं, और 2nd एपिसोड में उसका ट्रैक्शन मोटर फिक्सिंग और उसका जो फ्रेम है वो भी बनाकर मैं दिखाऊंगा। तो 2nd एपिसोड के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि वो और भी मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पर हमें उसको फिट करना है। तो ये जो हमारा एक्सेल बॉक्स है उसके साथ ये जो 3 एक्सेल हैं हमारे 6 व्हील के सेट हैं, तो इनको इस तरह से लगा दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर 4.3
सेंटीमीटर में यहाँ उसका जो प्लास्टिक है मतलब दो फ्रेम के अंदर जो मेजरमेंट है वो है 4.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं स्क्रू का इस्तेमाल किया हूँ जिससे कि बाद में हमें उसको खोल भी सकें बोगी फ्रेम को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में लोकोमोटिव के और भी कंपोनेंट हमें बनाने हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।